फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंडू एंड रीडू। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो हमारा एडिट मेन्यू होता है उसके अंदर जो भी कमांड्स होती हैं, जैसे कि उसमें अंडू होता है, रीडू होता है। अंडू का मतलब क्या होता है कि हमने जो काम किया होता है, मान लीजिए हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम वापस उसको लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं, ठीक है। ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल, फॉर एग्जांपल हमने कोई फाइल ओपन कर ली, हम लोग उसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ बाय मिस्टेक यू हैव मेड सम चेंजेस एंड नाउ यू वांट टू इरेज द लास्ट चेंजेस डन एंड देन यूज द अंडू ऑप्शन। तो हमने कुछ चेंज किया, हम चाहते हैं कि हम उन चेंजेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अंडू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आफ्टर अंडू कमांड अगेन If you want to go back, then use the redo option. अगर हमने जो erase किया था उसको वापस लाना चाहते हैं तो हम redo option use कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, एडिट मेन्यू पे जाऊँगी और undo पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। वापस आ गया और फिर से मैं एडिट मेन्यू में जाती हूँ, मैंने redo पे क्लिक कर दिया तो वापस वो डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट। अब मूविंग क्या होता है कि हमने टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी किया, ठीक है, और दूसरी जगह पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें कट करते हैं, ठीक है। कट जो हम करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है, तो वहाँ से कट हो गया। अब दूसरी जगह पे मैं जाऊँगी, इसको कंट्रोल वी कर दूँगी, वो पेस्ट हो गया, ठीक है। तो मूविंग में क्या होता है कि जहाँ से हम उसको ला रहे हैं वहाँ से वो कट हो जाता है। इसको हम फिर से अंडू कर देते हैं। और कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि इसकी कॉपी बन जाती है, मतलब टेक्स्ट पहले वाला भी रहेगा और इसकी दूसरी कॉपी भी हम बना सकते हैं। ये डिफरेंस होता है मूविंग एंड कॉपिंग में, ये देखिए, ठीक है। कॉपी में हमारी दो कॉपी बनी है, लेकिन मूविंग में क्या हुआ कि पहले वाला जो टेक्स्ट है हमारा वो हट जाता है और उसकी एक बाद में हम उसको पेस्ट करते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, जो आपका मूविंग होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एडिट में जाके कट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल एक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए एडिट में जाके हम पेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू में जाके कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, और पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन होता है, या फिर हम कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मूविंग एंड कॉपी। उसके बाद सिलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट द टेक्स्ट टू परफॉर्म कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट करना जरूरी होता है टेक्स्ट को। तो द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड। अभी जैसे मैं करती हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये हाईलाइट हो गया। अभी सिलेक्ट हुआ कैसे, मैंने शिफ्ट और एरो की का यूज़ किया। अब मेरा कर्सर यहाँ एंड में था और मुझे बैक वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं जो लेफ़्ट वाला जो एरो की है उसको यूज़ करूँगी। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो मैं शिफ्ट की यूज़ करूँगी और राइट एरो की जो है उसको प्रेस करूँगी इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें सारा कंटेंट ही सिलेक्ट करना तो हम कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम शिफ्ट के साथ जो एरो की होती है, जैसे अभी मैं ऊपर से नीचे लाई हूँ तो डाउन एरो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम नीचे से ऊपर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पेज अप की जो एरो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सारा इसमें जो स्टेप्स हैं वो लिखे हुए हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ।
देखिए कंट्रोल ए आप प्रेस कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट ही आपको सिलेक्ट करना है तो। ये अगर आपको कहीं कहीं से सिलेक्ट करना है तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे फर्स्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं वहीं पर कर्सर रखूँगी और अपना शिफ्ट की और जो मेरी लेफ्ट एरो की है उसको प्रेस करूँगी। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो शिफ्ट की प्रेस करूँगी और राइट एरो की यूज़ करूँगी इस तरीके से। सो ये था हाउ टू एडिट द डॉक्यूमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।